प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी विज्ञापन के लिए प्रदेश के लोगों के टैक्स का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मामा सरकार के 15 सालों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने है। मामा राज में संसाधनों की लूट, अपराधियों को खाली छूट दी गई है और मध्य प्रदेश को हर स्तर पर बदहाल कर दिया। मामा आए दिन स्वर्णिम से समृद्धि का ढोल पीट रहे हैं, परंतु जानिए कि करोड़पति मामा के दिए तले गरीबी का अंधेरा कितना है। करोड़पति मामा का पैतृक गांव है जैत गांव बुधनी में। वहां के 90% व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मामा सरकार का समग्र पोर्टल कह रहा है जो आपके सामने, और इसकी एक प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। मामा सरकार के समग्र पोर्टल के मुताबिक उनके पैतृक गांव जैत में 327 परिवार हैं, केवल एक परिवार करोड़पति है। 258 परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी नीला कार्ड धारक हैं। 38 परिवार अंत्योदय परिवार हैं यानी पीला कार्ड धारक हैं। तो 327 में से 258 जमा 36, 294 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। बुधनी विधानसभा का बख्तरा सेक्टर जैत गांव जिसका हिस्सा है, उसमें 32 में से 31 आंगनवाड़ियों में बिजली ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मामा सरकार का रिकॉर्ड कह रहा है। 17 आंगनवाड़ियों में खाना पकाने के बर्तन ही नहीं। यदि मामा के गांव और विधानसभा बुधनी में बदहाली का ये आलम है, तो मध्य प्रदेश का 15 साल में क्या आलम होगा, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा पहलू, मोदी सरकार ने खोली मामा सरकार में मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन व गरीबी की पोल, और मैं तीन केवल इसमें तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में स्टैटिस्टिकल हैंडबुक जारी की, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।